अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सरकारी मुलाजमीन खसूसन पेंशनर्स के हवाले से है, ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। बढ़ते हैं डिटेल की जानिब। बुजुर्ग पेंशनर्स को ईद से कबल बोनस देने का ऐलान कर दिया गया है। ईओबीआई पेंशनर्स को ईद से कबल 8500 रुपए की बजाय 14500 रुपए अदा किए जाएंगे। तफसीलात कुछ इस तरह है। बुजुर्ग पेंशनर्स को ईद से कबल बोनस देने का ऐलान। ईओबीआई पेंशनर्स को ईद से कबल 8500 की बजाय 14500 रुपए अदा किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक ईओबीआई पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इससे पहले पेंशन और 3 माह के बकायाजात की मद में 14500 रुपए अदा किए जाएंगे। चेयरमैन ईओबीआई अजहर हमीद ने बताया है कि पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि उन्हें ईद से पहले 1 पेंशन और वाजबात होंगे। उन्होंने बताया कि ईद से पहले 8500 पेंशन और 6000 रुपए वाजबात की मद में अदा किए जाएंगे। इसके अलावा 1 सितंबर से ईओबीआई पेंशनर्स यूटिलिटी स्टोर से 10% रियायत पर आटा, चीनी, चावल, घी और दालें खरीद सकेंगे, जबकि पेंशन घर पहुंचाने और पेंशनर्स इंश्योरेंस पर भी काम। ईओबीआई की डिजिटलाइजेशन 2 साल में मुकम्मल होगी। मजीद बताया गया है कि 1 अगस्त से बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बुजुर्गों को 1 अगस्त के माह से कम अज कम 8500 रुपए की पेंशन मिलेगी। ईओबीआई पेंशनर्स को वाजबात की मद में 2.4 अरब रुपए भी अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में 2000 इजाफे की मंजूरी दी थी, जबकि रजिस्टर्ड पेंशनर्स को अब 8500 रुपए पेंशन मिला करेगी। ईओबीआई के रजिस्टर्ड पेंशन को 3 माह अप्रैल, मई और जून के बकायाजात की मद में दिए जाएंगे। ये तमाम बकायाजात पहले अगले माह 1 अगस्त में अदा किए जाने थे, ताहम अब ईद से कबल ही अदा कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको देता चलूँ, बुजुर्ग पेंशनर्स को ईद से कबल बोनस देने का ऐलान कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।